हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं फास्ट में बनाने वाले भजिए पकौड़े। इसके लिए हमने दो कच्चे आलू ले लिए हैं और ये हमने लिया है धनिया, एक मुट्ठी धनिया है जिसको बारीक काट लिया है। ये हमने 5 चम्मच टीस्पून जो है मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, किस लिया है, और ये 2 पिंच काली मिर्च पाउडर है, सेंधा नमक है स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच तिल है, और ये हमने सिंघाड़े का आटा लिया है। तो आइए मैं इधर आपको दिखाती हूँ, जिस कसनी से हमको इसको कसना है आलू को, वो हम मोटी साइड लेंगे। एक ये पतली होती है, थोड़ा मोटी साइड से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लच्छे हो जाएंगे, देखिए इतने मोटे मोटे लच्छे होंगे। तो हम इसको ग्रेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। आलू के लच्छे हमने किस लिए हैं और इनको अब हम बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद डालेंगे हम ये आटा, सिंघाड़े का आटा, और ये सारी चीजें हम इसमें मिक्स कर देंगे, आलू में मिक्स कर देंगे और इसको हाथ से मैश करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम तेल डालेंगे और इसको भी फिर ध्यान से मिक्स करेंगे। और हमने इसमें ना पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी, क्योंकि आलू के लच्छे अपने आप ही पानी छोड़ देते हैं। धनिया भी थोड़ा गीला था। और ये देखिए, एक पकौड़ा हमने डाल के देखा है, तेल मीडियम गरम हो गया है। और हम देखिए इस टाइप से लेंगे इसमें से ना, इस टाइप से ऐसे ऐसे उठा लेंगे, बस इसको गोल नहीं बनाएंगे, बस ऐसे थोड़ा चपटा सा लेंगे, पतला ही फैलाएंगे ताकि वो ना कच्चा ना रहे। बस आप सीधे उठाएंगे ऐसे लच्छे के साथ ही और ऐसे डाल देंगे। तो ये आपको गोल नहीं करने हैं, बस लच्छे के जैसे ही आपको ये डालने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और हमने जो आटा लिया था ना, वो 3 टेबलस्पून था, बाकी आप बैटर बनाते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा धीमी आंच पर कुरकुरा हो गया है पकौड़ा। मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ये लच्छे के पकौड़े बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप भगर के आटे से, समा के चावल का आटा, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पतले डालेंगे ताकि वो ना अंदर से कच्चे ना रहे। पतले पतले पकौड़े डालें धीमी आंच पर, इसको अच्छा ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। धनिया की खुशबू, अदरक की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। तो व्रत में भी ना आप ये मत सोचिए कि हम ये नहीं खा सकते, कुछ अच्छा बनाइए और खाइए। उलट पुलट के हम इसको सेक लेंगे, ऐसे उलटते पलटते रहेंगे, जो जो ब्राउन होता जाए उसको हम सेक लेंगे। पतले हैं इसलिए अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, तो आप ये जरूर बनाइएगा। और ये देखिए कितने अच्छे ये क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको जल्दी से निकाल लेते हैं। बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये, क्योंकि हमने इसमें गरम तेल डाला है और ये बहुत ही तिल का क्रंच है, मूंगफली है, बहुत अच्छे लगेंगे। तो करते हैं इनकी प्लेटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यमी से पकौड़े बनकर तैयार हैं, बहुत टेस्टी हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।